आज हम आलू और लौकी के पराठे की रेसिपी देखने वाले हैं। और मैं जानता हूँ कि काफी लोगों को लौकी पसंद नहीं होती, लेकिन इस वीडियो में हम इस पराठे को इस तरह से बनाने वाले हैं ना कि आपको ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और इसको बनाने के लिए भी आपको काफी कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लौकी लेनी है और इसको हमें ग्रेट करना है। यहाँ पर मैंने लौकी की जो स्किन होती है ना उसको पहले से निकाल कर रखा हुआ था। जब लौकी ग्रेट हो जाए तब आपको यहाँ पर इसमें ऐड करने हैं 2 उबले हुए आलू। मैं यहाँ पर 2 बड़ी साइज के आलू इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके पास बड़ी साइज के आलू नहीं है तो आप 3 छोटे छोटे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब आलू भी अच्छे से ग्रेट हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स, 1 टीस्पून सेसमे सीड्स यानी कि तिल। फिर मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 से 3 बारीक कटी हुई ग्रीन चिलीज यानी कि हरे मिर्च। आप चाहो तो यहाँ पर इसके बदले हरे मिर्च की पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। फिर हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर यानी कि कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया, लगभग 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप व्हीट फ्लार यानी कि गेहूं का आटा। अब हमें यहाँ पर इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है और जब ये मिक्स होने लगे ना तब आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका डो रेडी करना है। लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये है कि आपको इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि जो लौकी है ना ये बाद में अपना धीरे धीरे पानी छोड़ने लगेगी, तो इसीलिए आप यहाँ पर ज्यादा पानी का इस्तेमाल मत करिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने इस डो को अच्छे से गूंथ लिया है तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके इसको थोड़ी देर के लिए मसलेंगे। अब हमें इस डो को कवर करके इसे हम लगभग 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। और जब 15 मिनट हो जाए तब आपको इसको वापस एक बार मसलना है और इसमें से ऐसी मीडियम साइज की लोइया रेडी करनी है। अब हमें इस लोई को गेहूं के आटे में अच्छे से डस्ट करना है और फिर इसको एक चकले के ऊपर यानी कि एक रोलिंग बोर्ड के ऊपर रखकर इसको हम बेलेंगे। देखिए यहाँ पर ये पराठा बनके रेडी हो चुका है और इसी तरह आपको बाकी सभी पराठा को भी रेडी करना है। तो अब हम इस पराठा को सेकेंगे। इसके लिए यहाँ पर आपको एक तवा लेना है और उसको गर्म होने देना है और जब तवा गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। इस ऑयल को हम एक बार अच्छे से स्प्रेड करेंगे और फिर इसके ऊपर हमारा पराठा रखकर इसकी हमें दोनों साइड्स को अच्छे से ब्राउन होने देना है। इस पराठे को आपको मीडियम फ्लेम पर सेकना है और फिर थोड़ी देर बाद हम इस पराठे को पलट लेंगे। अब इसकी ये वाली साइड पर भी हम थोड़ा सा तेल अप्लाई कर लेते हैं और फिर इस पराठे को हमें हल्का हल्का प्रेस करते जाना है ताकि ये फटाफट से और आसानी से सिक जाए। इसको हम फिर एक और बार पलट कर इसकी वाली साइड पर भी थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे। जब पराठा दोनों साइड से अच्छे से सिक जाए तब आप इसे बाहर निकाल लीजिए। तो लीजिए यहाँ पर ये गर्मा गर्म और बहुत ही स्वादिष्ट आलू और लौकी का पराठा बन के रेडी हो चुका है। अभी जो पराठा है ना इसके साथ जो तड़के वाला दही होता है ना उसको खाने का कुछ अलग ही मजा होता है। तो यहाँ पर इस तड़के वाले दही को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 कप दही और इस दही को हमें एक बार अच्छे से फेंटना है ताकि एकदम ही स्मूथ हो जाए। यहाँ पर मैंने इस दही को अच्छे से फेंट लिया है तो अब हम एक पैन में या एक कढ़ाई में लेंगे 1 से 2 टेबल स्पून घी और इस घी को हम गर्म होने देंगे। और फिर जब घी गर्म हो जाए तब हमें यहाँ पर इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून क्यूमिन सीड यानी कि जीरा और इस जीरा को हम अच्छे से स्प्लटर होने देंगे। जीरा जब स्प्लटर हो जाए ना तब आपको यहाँ पर इसमें ऐड करना है थोड़े से कड़ी पत्ता यानी कि करी लीव्स और साथ ही साथ इसमें 1/4 टीस्पून हींग यानी कि एसोफोटिड ऐड करके इन सारी चीज़ों को हमें थोड़े सेकंड्स के लिए भूनना है। अब यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर लीजिए और फिर गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद हमने जो दही को फेंट कर रखा हुआ था वो दही हम इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को इसलिए ऑफ किया है ताकि जो दही है ना वो फट ना जाए। अब यहाँ पर आपको इस दही को फटाफट से इसमें मिक्स करना है और फिर हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून शुगर यानी कि चीनी, स्वाद अनुसार नमक और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और अब हम इसको एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। और बस फिर यहाँ पर सबसे एंड में आपको यहाँ पर इस पर डालना है थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया।
तो लीजिए यहाँ पर ये तड़के वाला जो दही है ना, ये भी बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इस दही को हमारे गर्मा गर्म आलू लौकी पराठे के साथ सर्व करेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, इसके बारे में तो कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा।